हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कॉम्पिटिशन्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अपडेट्स है। मेरे प्यारे साथियों, आज 20 अगस्त 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कॉम्पिटिशन्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कॉम्पिटिशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके साथ ही साथ मैं अनअकैडमी ऐप पर एजुकेटर हूँ, तो अनअकैडमी ऐप पर मेरे द्वारा राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़ने के लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट, हु हैज इनॉग्रेट्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन किसने किया था? तो वो किया था यूनियन एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, यूनियन ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने। व्हाट इज द टाइटल ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टीचर एजुकेशन? अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस टीचर एजुकेशन की जो थी उसका टाइटल क्या था? तो टाइटल था जर्नी ऑफ टीचर एजुकेशन लोकल टू ग्लोबल। आपको बता दें कि यह टू डे इवेंट था जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था। ऑर्गेनाइज किया गया था नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एनसीटीई द्वारा, और एनसीटीई की जो स्थापना है वह हुई थी 1995 में, यानी कि एनसीटी एस्टेब्लिश्ड इन 1995। नेक्स्ट, विच कंट्री कमेमोरेटेड द लॉस ऑफ फर्स्ट ग्लेशियर ओकजोकुल लॉस्ट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज? दैट इज आइसलैंड। नेक्स्ट, विच स्टेट अप्रूव्ड कंजर्वेशन प्लान ऑफ लेक्स चिल्का एंड अनसुपा? कौन से स्टेट ने कंजर्वेशन प्लान को अप्रूव किया है चिल्का और अनसुपा झीलों के लिए? तो वह स्टेट है ओडिशा, और यह बाई वेटलैंड ऑथोरिटी के द्वारा अप्रूव किया गया है। नेक्स्ट, हु इज द मणिपुर स्टेट चीफ मिनिस्टर दैट लॉन्चेज स्कूल फेगडबा मेक एजुकेशन बेटर स्कीम? मणिपुर राज्य का मुख्यमंत्री कौन है जिसने स्कूल फेगडबा स्कीम लॉन्च की है, जो कि एजुकेशन को बेटर बनाने के लिए है? तो बात की जाए तो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर की, तो मणिपुर के जो मुख्यमंत्री है वह एन बीरेन सिंह। जो ये स्कीम है, इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है टू एंश्योर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी एजुकेशन एंड ओवरऑल इम्प्रूवमेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल लाइक दैट मॉडर्न स्कूल या मॉडल स्कूल। हु हैज बीन ऑनर्ड विद ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड? ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वह इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और यह सम्मान उन्हें यूनाइटेड अरब अमीरात द्वारा दिया गया है, और यह यूनाइटेड अरब अमीरात का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। नेक्स्ट, विच बायोग्राफिकल डॉक्यूमेंट्री विल रिसीव गुनियस अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ लॉन्गेस्ट डॉक्यूमेंट्री? सर्वाधिक लंबी डॉक्यूमेंट्री की कैटेगरी में गुनिसेस अवार्ड, गुनिसेस पुरस्कार किस बायोग्राफिकल डॉक्यूमेंट्री को मिला है? तो वह 100 ईयर्स ऑफ क्रिसोस्टम। और जो ये बायोग्राफी है, वो बायोग्राफी जो है वह बेस्ट ऑन द लाइफ ऑफ फिलिपोस मार क्रिसोस्टम। नेक्स्ट, वेयर विल बी द 5th मीटिंग ऑफ इंडिया नेपाल ज्वाइंट कमीशन हेल्ड? कहां पर
इंडिया और नेपाल की 5वीं ज्वाइंट कमीशन मीटिंग आयोजित होगी। तो आयोजित होगी काठमांडू नेपाल में, यानी कि इसका जो आयोजन है इस बार कौन कर रहा है? नेपाल देश। और यह मीटिंग इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर और नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर के बीच में आयोजित की जाएगी, जिसमें दोनों देशों के द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। नेक्स्ट, हु इज विन गोल्ड मेडल इन एथलेटिक की मीटिंग रिटायर इवेंट टुगेदर विद हिमा दास। हिमा दास के साथ एथलेटिकी मीटिंग रिटायर इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो वह मोहम्मद अनास ने। विच कंट्री हैव वॉन द गोल्ड मेडल एट द अंडर 12 एशियन टेनिस टीम चैंपियनशिप? एशियन टीम टेनिस टीम चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो वह देश है, भारत देश ने गोल्ड मेडल जीता है, और जो ये इवेंट था वह कजाकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट, हु हैज बिकम द फर्स्ट कंसेशन सब्स्टिट्यूट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में पहला कंक्यूजन सब्स्टिट्यूट प्लेयर कौन है? तो वह ऑस्ट्रेलियन प्लेयर मार्नस लेबुसचेंज। नेक्स्ट, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जगन्नाथ मिश्रा पासेज अवे, हु बिलोंग टू? पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा का अभी हाल ही में निधन हुआ है। वह कहां से बिलोंग करते थे, कहां से थे? तो वह थे बिहार स्टेट से, और जगन्नाथ मिश्रा बिहार स्टेट के 3 बार चीफ मिनिस्टर, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, वेयर इज द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनॉग्रेटेड अंडरग्राउंड बंकर म्यूजियम? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां पर अंडरग्राउंड बंकर म्यूजियम का उद्घाटन किया है? तो उन्होंने किया है मुंबई के राजभवन में, और यह 1500 स्क्वायर फीट में फैला हुआ अंडरग्राउंड म्यूजियम है। साथियों, ये था हमारा करंट अफेयर्स, करंट न्यूज आज का। आज के बात करते हैं हम क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड ए किट इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट सेक्सुअल अब्यूज अमोंग चिल्ड्रन? किस इंस्टीट्यूट ने कोलैबोरेशन किया है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के साथ, बच्चों को यौन शिक्षा के प्रति या यौन हिंसा को रोकथाम के लिए? ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IISc बेंगलोर, ऑप्शन सी IIT कानपुर, ऑप्शन डी एम्स दिल्ली। तो इसका जो भी आंसर है आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, लास्ट डे यानी कि 19 अगस्त का जो हमारा वीडियो था उसमें हमने क्वेश्चन पूछा था कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड तमिलनाडु सरकार द्वारा किसे दिया गया है? तो उसका राइट आंसर था ऑप्शन बी KC1 को, इसरो इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चीफ KC1 को वह अवार्ड दिया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में डालें, हमारे वीडियोज को और YouTube चैनल को शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमें अनअकैडमी और Instagram, Facebook पर भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।